बैंक ऑफ बरोडा प्रेजेंट्स गुफ्तू कहा जा रहे हम आपका बेटा बड़ा हो गया पापा और अब हमारा घर भी गेट क्विक एन इजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बरोडा फॉर योर ड्रीम होम फाउंडेशन का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगु और गुफ्तगु में आज हैं आपके पसंदीदा एक्टर जयदीप अहलावत जयदीप अहलावत जयदीप अहलावत हिंदी सिनेमा के उन अदाकारों में हैं, जिनकी मौजूदगी ये साबित करती है कि प्रतिभा अपने रास्ते खुद तलाश कर लेती है असिमरद दे हम बेस किलो द तू कपड़ों समेत तेरे ऊपर तो गोली वेस्ट होने का डर भी नहीं है मेनू आर पार निकल जाएगी 8 फरवरी 1980 को रोहतक में शिक्षकों के घर जन्मे जयदीप की पढ़ाई लिखाई रोहतक में ही हुई जहां 2005 में उन्होंने अंग्रेजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की जयदीप अहलावत पहले भारतीय सेना में अफसर बनने की ख्वाहिश रखते थे जो महज ख्वाहिश ही रह गई थिएटर में उनकी शुरुआती दिलचस्पियों का ही नतीजा था जिसने जयदीप को अपने भीतर छुपे कलाकार से रूबरू कराया जल्द ही जयदीप पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पहुंचे जहां 2008 में ट्रेनिंग पूरी करके वो मुंबई आ गए जयदीप की पहली फिल्म थी 2010 में आई खट्टा मीठा उसी साल जयदीप अजय देवगन के साथ आक्रोश में पप्पू तिवारी की भूमिका में भी नजर आए महाराज चलेगी फुल पावर, पावर। जयदीप पहलावत के एक्टिंग करियर का सबसे अहम किरदार हुआ अनुराग कश्यप की गैंग सब्बासपुर का शाहिद खान दो हजार तेरह में जयदीप पहलावत कमल हासन की फिल्म विश्व रूपम में दिखे जिसने दक्षिण भारत में अपार सफलता हासिल की कमांडो रईस राजी और ब्ल स्टोरीज जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की वजह से आज जयदीप घर घर में जाना पहचाना नाम है जयदीप पहलावत ने 2019 में आई वेब सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड में तनवीर शहजाद की भूमिका निभाई सोचा नहीं था कभी दोबारा दिखाई देगा इसकी ऐसी हिम्मत तोड़ी मैंने कि उन्होंने इसका करियर ही बर्बाद कर दिया वक्त का तगाना यह है कि आप और हम मिलकर कदम उठाएं आई हैव अ प्लान 2020 की वेब सीरीज पाताल लोक में हाथीराम के किरदार के लिए जयदीप अहलावत को फिल्मफेयर ओटीटी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर का खिताब मिला ये जो दुनिया है ना दुनिया ये एक नहीं तीन दुनिया है सबसे ऊपर स्वर्ग लोग, जिसमें देवता रहते हैं बीच में धरती लोक जिसमें आदमी रहते हैं और सबसे नीचे पाताल लोक जिसमें कीड़े रहते हैं। ओए पुलिस बुलाऊ अगर बैग को कुछ हुआ दांत तोड़ तो जयदीप को पढ़ने का बहुत शौक है जिसमें किताबें दुनिया और इंसान तीनों शामिल हैं और ये शौक उन्हें मुख्तलिफ قسم के किरदार निभाने में उनकी राह हमवार करता है। बहुत-बहुत स्वागत है जयदीप जी। थैंक यू। तो हमको यह बताइए जयदीप जी कि आप का जो बचपन है सब लोग जानते हैं हरियाणा में गुजरा किस तरह का परिवार है आपका जहाँ आपका जन्म हुआ uh, मेरा गांव है करकड़ा uh, रोहतक से कुछ बीस बाईस किलोमीटर की दूरी पे है और पैदाइश वहीं हुई और शुरुआती पढ़ाई दसवीं क्लास तक बेसिकली गाँव के सरकारी स्कूल में और माँ बा माँ और बाबूजी जी दोनों बेसिकली टीचर हैं अब तो रिटायर्ड हैं तो घर में था वो पढ़ाई वाला माहौल था और स्पेशली मेरा छोटा भाई बहुत ही स्टूडियस और बहुत होशियार है आज भी है तो बहन बड़ी हैं छः साल बड़ी हैं और तो उनके बीच में मंझला बच्चा जो मैं हूँ घर का बड़ा लड़का हूँ पर तो बस साधारण सा परिवार है जो खेती भी करते थे और दोनों मॉम डैड दोनों स्कूल टीचर भी रहे हैं तो साथ साथ चलता था गांव में ही थे तो सुबह स्कूल जाने से पहले खेती करो फिर स्कूल जाओ फिर वापस आओ तो थोड़ी बहुत बाकी जितनी खेती है वो है उसके बाद खेलो और वही बस चलता रहा तो बड़ा ही नॉर्मल सा गांव का एक साधारण सा परिवार और आ, शायद आपको फ़ौज में जाने का बहुत मन था और आपने कोशिश भी की जी आ, फौज में जाने के मन के बीच ही ये कोई एक्टिंग का मन शुरू हुआ था क्या नहीं उस दौर में तो नहीं हुआ था नह पर ये ज़रूर था कि बचपन से मुझे मैं थोड़ा अटेंशन सीकर बच्चा था शायद इस वजह से कि एक बड़ी बहन थी फिर एक छोटा भाई था तो बीच में होने वाले का मुझे कभी कभी ऐसा लगता था और थोड़ा सा रिवोल्टी बच्चा था जो होता ना थोड़ा उपद्रवी भी तो बोलता बहुत कम था लेकिन मेरे एक्शंस में समझ में आता था कि मैं रिवोल्ट कर रहा हूँ पर आ, स्टेज पे जाने का या लोगों का अटेंशन लेने का चाहे फिर वो गांव की शादियाँ हों मुझे याद है पापा बड़े परेशान हो जाते थे घर के सामने से कोई भी आ, वो प्रोसेशन निकलता है शादी का घुड़चड़ी बोलते हैं तो नाचने घुस जाता था तो उनको बढ़ा जी क्या कर रहा है तो कुछ भी किसी भी शादी में कूद रहे हैं तो, तो वो हुआ स्कूल के बाद जब कॉलेज शुरू हुआ तो गाँव छोड़ के मैं रोहतक शहर में आया और अचानक से एक दुनिया नई खुलती है आपके लिए जब सरकारी स्कूल का एक गांव का एक बच्चा बाहर पढ़ने निकलता है तो आ, लेकिन अच्छी बात ये थी कि स्पेशली पापा बड़े ही आ, आ, इस मामले में खुले हुए विचारों के रहे तो उन्होंने अलग से कमरा दिलवाया और कि इंडिपेंडेंट रहना शुरू करो समझ में आएगी लाइफ थोड़ी सी तो उस दौरान जितने भी दोस्त लोग थे स्पेशली हरियाणा में है कल्चर और रोहतक में आ, शायद ही मैं ऐसा कोई दोस्त जानता हूँ जिसने कम से कम एक बार इंडियन आर्मी के लिए ट्राई ना किया हो मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई नहीं है शायद तो आ, सब लोग ग्यारहवीं बारहवीं के दौरान मेडिकल साइंस ली मैंने प्लस वन में पर प्लस टू करने शुरू हुआ जब समझ में आ गया कि नहीं मेरा फौज जो है वो तो एन डी एग्ज़ाम होते हैं प्लस टू के बाद उसका एक रिटर्न दिया लेकिन तब तक कुछ ऐसी समझ थी नहीं तो वो रिटर्न क्लियर नहीं हुआ दैन शिफ्टेड टू बेसिकली सी के आर्मी ग्रेजुएशन के बाद जो सी के एग्जाम होते हैं वो देंगे तो उस दौरान सब दोस्त मिल वही तैयारियाँ करते थे कोई ना कोई बी एस एफ कमांडेंट वगैरह और इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स सी के थ्रू ओ के थ्रू आई के थ्रू तो आ, वो माहौल था आसपास जितने भी लोग पर वो नहीं हुआ और दो दो तीन एस एस फेल हुआ मैं रिटर्न क्लियर हो जाता था तब तक पढ़ने लिखने में ठीक ठाक हो गए थे लेकिन वो एस एस क्लियर नहीं हुई और उसके बाद मुझे लगता है कि अभी ने थोड़ा सा एक तरह से रिलीफ के तौर पे लाइफ में आया उससे पहले कभी नहीं सोचा था कि आ, हाँ स्टेज पे जाना अलग चीज़ थी पोइट्रिक रेजिटेशन में जाना या तो या फिर डांस कॉम्पटिशन्स में जाना वो एक हिस्सा होता था ज़िंदगी का कि चलो ये भी करना चाहिए तो वो ग्रेजुएशन के बाद शुरू हुआ अभिनय को लेके जो एक रुझान बना शायद इस वजह से कि वो बीस बाईस साल बीस इक्कीस साल का लड़का जब उसको ये लगता है कि इंडियन आर्मी के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता या कुछ करना नहीं चाहता तो गुस्सा जो पैदा हुआ वो और कहीं बाहर निकल नहीं रहा था मंच उसके लिए एक रास्ता मिल गया लोगों को लगा कि मैं बड़ा एनर्जेटिक एक्टर हूँ और बहुत इंटेंसिटी है पर मैं अपना अपना गुबार निकाल रहा था तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक लेट आउट हुआ तो वहाँ से मन लगने लगा उस उस विधा में तो फिर बस वो शुरुआत शुरुआती जो एक्टिंग एनकाउंटर्स हैं जिसमें जो जैसे कहते हैं मन का गुबार निकालने वाला ख़ुद आपके लिए वो कौन से वो थे मंच और लोगों को वो किस में आपका गुबार निकलता हुआ दिख रहा था? पापा की वजह से मुझे लिटरेचर पढ़ने की थोड़ी सी आदत बहुत पहले से पड़ गई थी मुझे याद है मैं कुछ छठी क्लास में था तब पापा ने मुझे प्रेमचंद की कहानियाँ जो बस स्टैंड वगैरह पे मिलती हैं ना प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियाँ वो एक किताब ला के दी थी उसकी कफन पहली कहानी थी उसमें तो मुझे वो आ, किताब बड़ी इंटरेस्टिंग लगी उसमें बहुत सारी कर, पंच दो बैलों की कथा ये वो तो मुझे वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आया और बहन ऑलरेडी उस वक्त दसवीं ग्यारहवीं क्लास में तो उनकी किताबों में जो हिंदी की पोइट्री होती थी या कहानियाँ होती थी वो पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो साहित्य में जो रुझान बना उसने ज़्यादा एक तरह से मदद की लिटरेचर को समझ के और मंच को समझने में तो अच्छे लगते थे नाटक देखना उस वक्त भी जब मैं कर नहीं रहा था पर जब वो करना शुरू किया तो मेरे जो मैंने एक नाटक देखा वहाँ जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे वहाँ एक नाटक था एडिपस उसका हिंदी अनुवाद कुछ आधे घंटे में किया था उन्होंने और वो किरदार है ही उस बारे में कि आपकी लाइफ आ, डेस्टनी वर्सेस कैरेक्टर वाला जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किस्मत में कुछ लिखा है तो वो आप उसको बदल नहीं पाओगे चाहे कितनी कोशिश कर लो तो वो नाटक मुझे याद है वो देख के ना मैं बड़ा, बड़ा विचलित सा हो गया था क्योंकि मेरे दिमाग में वो इंडियन आर्मी का वो सब चल रहा था कि नहीं मेरी किस्मत में नहीं है वो आ, उनके ना उस नाटक के जो डायरेक्टर थे उनसे मैं मिला मुझे मैंने क्या मुझे ना ये करना है मेरे एक दोस्त के थ्रू गया मैं तो बड़े मस्त मौला से इंसान हैं वो मेरे पहले एक्टिंग गुरु बने सुनील चिटकारा हैं वो दिल्ली में ही रहते हैं तो बड़े हरफन मोला से आदमी हैं और बड़े उन्मुक्त विचारों के इंसान हैं उनको हाँ ठीक है कर लो एक्टिंग देख लो तुम भी करके पर उनके साथ जब शुरुआत की तो मेरा पहला नाटक पोस्टर था शंकर शेष का तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक अनुभव था मेरे लिए और उस दौरान मैं बेस्ट एक्टर मिला मुझे और वो सब हुआ तो बात सिर्फ उनके लिए बाहर की दुनिया के लिए था कि बेस्ट एक्टर मिला है जयदीप को यूनिवर्सिटी में और ये ऊपर मेरे लिए बड़ा सुकून वाला टाइम था क्योंकि इतना मज़ा आता था मैं हॉस्टल में था और वहाँ से जिस ग्रीन रूम में हम रिहर्सल करते थे वहाँ से कुछ पाँच मिनट वॉकिंग दूरी पर मेरा हॉस्टल था तो मैं कुछ पंद्रह बीस दिन के लिए अपनी किताबें थोड़े बहुत कपड़े और वो सब यूनिवर्सिटी के ग्रीन रूम में रख के आराम से सोता था वहीं चलता था सब कुछ तो हाँ वो पहला नाटक था जिसमें फिर एक नाटक किया जलता हुआ रथ वो वो उसको लग ले देख के लोगों को आज भी कई कल परसों ही कुछ एक मेरे जूनियर हैं हरियाणा से वो कह रहे थे कि आज भी जब उस नाटक की बात उठती है तो आपके अभिनय की बात होती है मैंने कहा रे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है पर वो वो शुरुआती दो बड़े नाटक थे जो करके लगा कि हाँ आप ये बड़ा इंटरेस्टिंग है <laughs> तो ये तो हुए आपके नाटक से जुड़े हुए अनुभव फिर धीरे धीरे करके आप एक्टिंग बाकायदा सीखने का इरादा आप मन में आया फिर आप शायद एफ गए इसके बीच में कोई कहानी हो तो बताइए नहीं तो फिर हम एफ टी कहानी इतनी कि मैं उस दौरान जब ये सब किया जब दो साल नाटक किए मैं उस वक्त एम इंग्लिश में था हरियाणा में एम डी यू किया मैंने और उस वक्त तक घर में सब लोग इवन uh, छोटा uh, भाई भी नौकरी शुरू करती थी उसकी शादी हो गई थी नॉल दैट तो अकेला मैं था ऐसा घर में जो कुछ काम नहीं कर रहा था बेसिकली और एम कर चुका हूँ और ठीक uh, ठाक नंबरों से पास भी हुआ उसमें एम ए किस में किया आपने एम इंग्लिश में लिटरेचर में सो so, uh, उसके बाद मैंने पूछा उनसे सुनील भाई से कि माँ आपको क्या लगता है क्या करूँ मैं तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में होता ना कि तुम और कुछ कर नहीं पाओगे तुम अगर कुछ करना है तो देख लो मैंने कहा फिर ऐसे तो बॉम्बे नहीं जाऊँगा मुझे ऐसा लगा कि नहीं ये को तैयारी नहीं है कॉलेज टाइम पे नाटक करना अलग बात है तो वो बोले कि और मैंने सिर्फ एन सुना था तो मैंने कहा फिर एन या ऐसा कुछ इंडियन थिएटर क्योंकि वो वहाँ से पास आउट है तो उसका नाम भी मैंने सुना था तो इंस्टिट्यूट के नाम पर ही सिर्फ दो जगहों को मैं जानता था तो वो बोले कि फिल्म श्यूट चला जा मैंने कहा ये क्या है क्योंकि एफ टी आई दो हज़ार चार में दोबारा शुरू हुआ तो मेरे से पहले सिर्फ़ एक बैच आया था तो उस वक्त तो वो इतना न्यूज़ में था नहीं स्पेशली हमारी तरफ तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे इंस्ट्यूट है मैं जाके वो गूगल किया तो पता चला कि एक अच्छी खासी लेगेसी है इंस्टीट्यूट की और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मैंने कहा यार फिल्म वाले मामला है तो, तो तो बहुत सारे लोगों के उसमें फ़ोटोग्राफ्स उनके पुराने इंटरव्यूज़ और ये सब था नसीर भाई ओमपुरी थी और और जया बच्चन जी से लेके बहुत सारे लोगों के तो मुझे लगा कि ये ये करना चाहिए तो मैंने उसका फॉर्म वॉम भर दिया था और उसके साथ ही मैंने हिसार में एक यूनिवर्सिटी है गुरूचम्बेश्वर यूनिवर्सिटी वहाँ मास कम्युनिकेशन के लिए फॉर्म भर दिया तो दोनों एक साथ ही होने वाले थे और एफ का रिज़ल्ट लेट हुआ तो मैं मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले लिया था तीन एक महीने के लिए तो अक्टूबर में एफ का रिजल्ट आया और हो गया तो फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट आ गया तो ये था कि वो शुरुआत मुझे था कि कुछ सीखना पड़ेगा ये ऐसे ही नहीं उठ के जाना चाहिए तो वो उस उस ख्याल से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया और फिल्म इंस्टीट्यूट में जो आपका इंटरव्यू वगैरह हुआ होगा उसका अनुभव बताइए क्योंकि आप तो कुछ नाटक तो करके आ ही जी रहे जी। थे लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आ रहे थे जहाँ जिसकी बड़ी लीगसी आपने बताया तो कुछ डर भी रहा होगा और उस इंटरव्यू का कुछ अनुभव बताइए बहुत डर था सर बहुत ज़्यादा डर था पर यह नहीं था कि होगा या नहीं होगा इस बात का डर नहीं था ये था कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा मेरा अपना आप बेस्ट जाना चाहिए तो उसका जो पहला इंटरव्यू और ऑडिशन मिक्स था वो दिल्ली में ही हुआ था तो वहाँ सब लोग काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे तो बस शुरुआत करने से पहले डर था पर जब शुरू किया तो मेरे लिए वो मंच हो गया फिर मुझे कोई दिखा नहीं सामने तो जो भी बैठा होगा देखा जाएगा तो मुझे याद है उन्होंने उस वक्त हमारे त्रिपुरारी शरण जी एफ के डायरेक्टर होते थे उन्होंने बाहर आके बोला था कि गुड अलावत देखता हूँ तो मैं फ़िल्म शूट में मिलता हूँ तुमसे तो मैं मुझे लगा था कि कम से कम एक स्टेज तो ज़रूर पार हो गई उसके बाद दो दिन की फाइनल वर्कशॉप होती है फिल्म शूट में उसके दौरान बहुत अच्छा रहा वो बहुत सारे दो दिन में बहुत सारे एक्सरसाइज होती हैं बहुत तरह के लोग ग्रुप की सिंगल एक्सरसाइज होती हैं तो दो दिन लगातार एक्सरसाइज होती रही करीबन करीबन चालीस पचास और अस्सी लोग थे एक बैच में तो बीस सेलेक्ट होने हैं पर मैं अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट लगा हुआ था अपना और मुझे याद है वो ख़त्म हुआ वर्कशॉप ख़त्म हुआ, हुआ, हुआ तो एक छोटा बसा चाय पानी का प्रोग्राम चल रहा था जहाँ जो स्टूडेंट आए हैं एडमिशन लेने के लिए वो भी हैं और जो ज़ूरी में जो लोग थे आठ दस वो लोग भी हैं तो उसमें बजू भाई थे रामगोपाल बजाज तो वैसे खड़े हैं मैं तो वैसे ही अभिभूत था उनको देख के गए रे वाह तो उन्होंने इशारे से बुलाया उन्हें इधर आओ मैंने कहा सर तो उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मुझे कभी भूलता नहीं हूँ मैं उन्होंने कहा कि तुम्हारा शिव बहुत मजबूत है जब यहाँ इंस्टीट्यूट में आओ तो अपनी पार्वती पे काम करना <laughs> तो मैं बहुत खुश हो गया था क्योंकि मुझे अचानक से लगा कि शायद मैं आ रहा हूँ तो पर ये बात अपने आप में एक एक, कॉम्प्लीट वाक्य बन गई मेरे लिए और वो आज तक है वो दिमाग में रखता हूँ कि मैं अपनी पारोती पर काम करता रहूँ क्योंकि बड़े और उन्होंने बहुत सही कहा था कि मुझे आज तक जितने भी किरदार मिले बड़े ही डोमिनेटिंग मेल डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स हैं या बहुत श्योर हैं अपने अपने आप को ले कभी भी बहुत कम चांसेस ऐसे हुए कि कोई किरदार ऐसा मिला हो जो बहुत वनरेबल है जो बहुत वीक है जो बहुत फंसा हुआ है डरा हुआ है वो जाके हाथीरा में पूरा हुआ उससे पहले वो उस तरह किरदार मिलते नहीं थे तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई पार्वती यहाँ गुंगो ही बोलते हैं बेटा एक बार मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेशे हो जाने दे, सब बुलवा सर वो इसका नाम अभी पता लगा रहे विशाल त्यागी आपने कहा कि जो इंटरव्यू दिल्ली में हुआ ऑडिशन के उसमें आपने किस नाटक का इला इला कुछ याद आता हो तो बताइए उसमें क्या था क्या कर रहे थे आप कुछ करके दिखाइए नहीं करिए इज्जत कर, <laughs> तो, तो नहीं होगा वो पर वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उसमें जो एक किरदार है ये बेसिकली उस दौर स्कंद पुराण की कुछ कहानी के बारे में है बहुत ही राजा महाराजाओं का दौर है तो ये जो लड़का है ये बेसिकली लड़की पैदा हुआ था उस नाटक में और महाराज उसको राजवैद्य की मदद से लड़के में तब्दील कर देते हैं क्योंकि उनको उत्तराधिकारी चाहिए और वो सालों तक उस उस फेज में रहा है उसको उसकी हरकतें फ़ीमेल जैसी हैं लेकिन वो उत्तराधिकारी है तो महाराज उसको उस तरह से ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि तू राजा बन तो तलवार चलाना सीख उसको पेंटिंग पसंद है उसको चित्रकारी मज़ा आता है तो एक दिन वो गुस्से में शादी वादी भी करवा देते हैं तो एक दिन गुस्से में आके वो ये बोलता है कि मैं दिखाता हूँ तो मैं कि मेल क्या होता है वो एक पोर्शन है जहाँ वो एक जंगल में जाता है और उस जंगल के बारे में ये मानना है कि वो बहुत ही खूबसूरत है, है। वहाँ मतलब उसमें लाइन थी कि वहाँ जाके पुरुषों में भी स्त्रियों जैसे गुण आ जाते हैं तो वो तो था ही स्त्री जन्म से तो वहाँ जाके वो एक फेज आता है जहाँ उसको देख के ना वो वो ऐसे अभिभूत हो जाता है कि ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है और वो ना सिर्फ विचारों से शरीर से भी औरत में तब्दील होना शुरू हो जाता है उसी स्पीच के दौरान तो बहुत ही मुश्किल था उस वक्त तो तैयारी वैर कर ली थी किसी तरह तो वो वो फेज था जहाँ वो बात करते करते वो उसको उसका फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं एंड देन ही सडनली फील कि वो फीमेल में तब्दील हो रहा है बट ही स्टिल हैप्पी बिकॉज वो इतना खूबसूरत चल रहा है सब कुछ तो ये एक पीस था तीन चार मिनट का जहाँ वो बात भी कर रहा है यूनिवर्स से बात कर रहा है जंगल से बात कर रहा है और ख़ुद से भी बात कर रहा है कि उसके शरीर में वो औरत बन रहा है इस सेशन को इस इंटरव्यू सेशन को जज करने वालों में त्रिपुरारी जी का नाम आपने लिया वो थे उसके अलावा कौन लोग होंगे कमलजीत पेंटल जी थे उस वक्त वो एच थे एफ के एक्टिंग बैच के और और भी कई सारे लोग थे जो अलग अलग उनके थे कुछ म्यूजिशियन कोई एक पुणे के हैं शायद वो थे एक्सैक्टली exactly, सब लोग याद नहीं बट तीन चार लोग मुझे याद है जो वापस जाके एफ टी आई में मिले तो लगा कि ये लोग वहाँ बैठे हुए थे तो बाकी वो मैं उतना नहीं आता तो बहरहाल आप फिर एफ टी आई पहुँच गए आपके बैच में और कौन लोग थे मेरे बैच में आ, राजकुमार है राजकुमार राव विजय वर्मा मेरा बैच मेट है पीतुभाष त्रिपाठी और कई सारे एक्टर्स हैं जो बहुत सारे लोग उन देखे होंगे तो उसमें तीर्था मुलबाड़कर एक लड़की हैं और शिका हैं गौरव शर्मा और जतिन गोस्वामी एक एक्टर हैं गौरव द्विवेदी एक एक्टर हैं ये सब लोग प्रभात रघुनंदन सनी हिंदुजा जो अभी फैमिली मैन में थे ये सब लोग एक ही बैच के अच्छा तो जैसे कि आपने शुरू में कहा कि एक रेबल आपके अंदर उधर बचपन में तो था ही किशोरावस्था भी तक भी रहा होगा और वो तो पीछा नहीं छोड़ता रेबल एफ टी के बाद ये सब कोर्स और उसमें आपको एक तरह से कहिए कि ट्रेंड किया जा रहा है आ, उसमें भी कुछ रेबल का अनुभव आपको याद आता है रेबल इन देंस कि जो एकदम नॉर्मल चल रहा होता है ना उससे थोड़े दिन बाद कॉफ्ट तो हो जाती तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कुछ तो उल्टा सीधा हो रहा है ये और जो मेरे एक्सपेक्टेशन के एकदम विरुद्ध जा रहा हो मुझे वो उसको लगता है कि ये सही है इसमें कुछ है जो जो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो फिल्म शूट में जब गए थे तो ऐसा कोई अनुभव नहीं था फिल्मों को स्पेशली समझने का देखने का तो वो दुनिया ही अलग थी आ, क्योंकि हमें लगा था कि थिएटर से गए हैं और वो सब जितना भी थोड़ा बहुत जानते हैं और फिल्में हमारे दिमाग में हिंदुस्तानी फिल्मों का रेफरेंस है और वो मुझे याद हो पहले दिन आ, फिल्म आर्काइव्स हैं हमारे यहाँ पुणे में तो वो रोशो दिखा रहे थे और हमारे सीनियर सब वे थे दे कि देखनी है तुम लोगों को शाम को बैठ के शाम को देखेंगे कि तुम लोगों ने क्या देखा डिस्कशन करेंगे और कुछ समझ नहीं आया बिकॉज नीचे सब टाइटल चल रहे हैं ऊपर वो तो जब तक ऊपर नीचे देखो तब तक वो फिल्म ख़त्म हो चुकी थी तो बहुत नींद आ रही थी अंदर ही अंदर तो शुरुआती दौर वैसा निकला कि ये लोग अजीब अजीब फिल्में दिखा रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और पहला छः महीने जो है वो एक्टिंग कोर्स शुरू नहीं होता इट्स कंबाइंड कोर्स एक फिल्म फिल्म कोर्स चल रहा है सब सब लोगों का पूरे बैच का तो मुझे याद है मैं बीच में तीन एक महीने में ऐसा हो गया था कि नहीं ये तो नहीं होगा ये समझ नहीं आ रहा है क्योंकि साउंड एडिटिंग सब चल रहा है आर डायरेक्शन चल रहा है पर एक्टिंग की कोई बात नहीं कर रहा है तो मैंने एक अपने एक सीनियर को एक दिन ऐसे ही तभी ज़बान में कहा था कि यार मेरा मन नहीं कर रहा मैं छोड़ने का मन कर रहा मैं चला जाऊँगा नैनी साइड के रुक जा तीन महीने और बाकी हैं तीन महीने बाद एक्टिंग स्पेशलाइजेशन शुरू होगा तो शायद मन लगने भी लगे अभी ये सब नया होता है सब के लिए नया है ये क्योंकि हम अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़े हुए हैं तो हमारे लिए कुरूसावा समझ का कोई लॉजिक ही नहीं है और कोई रेफरेंस नहीं है उसको समझने का तो तो फिर तो रुका तीन महीने और मुझे लगता है कि जब वो चीज़ें समझ में आने लगी कि इन इनका क्या इंपॉर्टेंस है इन सबको से समझने की देखने की मैंने फिर से वो सारी फिल्में दोबारा उठाई और फिर हर रोज़ शाम को बैठ के लैपटॉप पे या किसी रूम में अपना प्रोजेक्टर लगा के वो सब देखते थे तो मज़ा आता था फिर उसको देख के समझने में तो तब तक जब तक कि फिर आपका एफ का कोर्स पूरा होने की तरफ बढ़ा जी। तो आपने फिर ये तय कर लिया कि एक्टिंग ही ये चीज़ है जिसमें आपको रोज़ी रोटी भी उसी से अर्जित करनी है मन का सुख भी उसी से लेना है ऐसा कुछ तय हो गया आ, थोड़ा घबराहट थी पर दूसरा कोई और कुछ आता नहीं नज़र कुछ और ऐसा था ही नहीं जिसको करके आपको खुशी मिलती हो और पीछे कुछ छोड़ा नहीं था मैंने ऐसा कि मैं ये जाके ये कर लूँगा जबकि बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब मुझे याद है कि दो एक फिल्में रिलीज हो गई थी तब भी एक बार माँ फ़ोन पे कहती हैं कि असिस्टेंट ऑफिसर्स क्या नाम ये कॉलेज लेक्चरर्स की होती है असिस्टेंट प्रोफेसर्स की कोई जॉब निकली हुई है तू भर दे तब तक वासीपुर रिलीज हो चुकी थी ना लाइक माँ क्या बात कर रहे हो अभी तो कुछ ये नहीं हो सकता अभी ये जाएगा नहीं तो आ, मैं थोड़ा घबराहट में ज़रूर था जब एफ टी आई पास आउट हुआ तो करीबन सात आठ महीने मैं शहर में बस आता जाता रहा रुका नहीं पूना ही मेरा टाइम निकल जाता था और फिर घर भी चला गया था थोड़े दिन के लिए कुछ क्योंकि ऐसा लगता था अब हो तो गया है ये पर जाऊँगा किसके पास किसको बोलूँगा कि आ, एक्टिंग करवा लो <laughs> तो तो मैं पूना में रहा काफ़ी टाइम तक फिर रोहतक चला गया फिर जनवरी 2008 में पास आउट हुए थे मैं फ़ाइनली सितंबर अगस्त सितंबर में आके फाइनली बॉम्बे में सेटल हुआ कि नहीं भागना भागने से कुछ होगा नहीं कब तक शहर से भागते रहेंगे और दूसरा कुछ करना आता नहीं है या करना चाहते नहीं तो देखते हैं अब जैसा शहर ट्रीट करेगा वैसा ही देख लेंगे तो फिर घुस के शुरू हो गया मामला और ज़्यादातर लोगों की कहानियों में ये आता है कि जब आप कोई भी कोर्स या कोई तैयारी करने के बाद जब आप आ जाते हैं अपने आप को जैसे कि तालाब में छोड़ने जैसी बात एक मुंबई एक ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिल्मों से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं ख़ासतौर पर, पर वो जिसमें आप एस्पायर कर रहे हो तो आपका यहाँ आना और जो स्ट्रगल जिसकी बात करते हैं वो शुरुआती अनुभव क्या है जिसमें जिन लोगों से भी मिल रहे हैं उस उसमें वो चीज़ें बाउंस बैक हो जा रही हैं वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है वो शुरुआती अनुभव क्या है सर पता नहीं मैं ना इसको कभी स्ट्रगल माना ही नहीं मैं कभी से नहीं था उस जोन में कि मैंने इतनी मेहनत की मैंने उतनी मेहनत की और ना मैं कभी बात करता हूँ उस बारे में क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी का ना कुछ भी स्पेशल नहीं है हर आदमी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी के से वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है जद्दोजहद करता है और ये तो फील्ड ही ऐसा है जहाँ आप ऑलरेडी मान के आते हो कि एक दिन में कुछ नहीं होने वाला Uh, इसलिए कॉन्फिडेंस भी ये था कि आप ट्रेंड हो आप उठ के नहीं आए हो तो अगर मैं वो जब एफ के लिए फॉर्म भर रहा था तब सीधा आता बॉम्बे में तो शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता लेकिन अंदर कहीं गहरे में था कि हाँ आई नो माई जॉब तो अब मैं उस भीड़ में शामिल नहीं होऊंगा जो जो क्योंकि तो वही फिर से वही वो नॉर्मल वाला मामला नहीं चाहिए मुझे भीड़ में शामिल होने में बड़ा कोफ्त होती है आज भी होती है तो मुझे नहीं जाना है स्टूडियो दर स्टूडियो कि हाँ वहाँ नगर में ये चल रहा है वहाँ ये चल रहा है नहीं जाना है मुझे मैं कभी नहीं गया और उसको लोग स्ट्रगल बोलते हैं मुझे नहीं लगता वो स्ट्रगल है क्योंकि उसमें आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, हो सकता है किसी के लिए सही हो पर मुझे वो बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था मैं कभी किसी स्टूडियो में जैसे हमारे हम अभी भी होता होगा शायद लेकिन उस दौर में भी होता था कि एक्टर सुबह निकलते थे नहा धो के स्टूडियो में फिर यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ कुछ भी चल रहा हो वो नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट आई यूज़ टू हेट इट मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था मैं एक बार गया था अपने एक दोस्त के साथ उन्होंने बोला कि वहाँ एक ऐड का ऑडिशन चल रहा है मैंने कहा तुम्हें बुलाया उसने ना नहीं मैंने कहा फिर क्यों जा रहा है अरे वहाँ लोग जाते हैं जो भी फिट होता है उसको ऑडिशन लेते हैं तो मैं थोड़ा ऐसा हो गया था कि तू दो साल पढ़ाई करके आया है एफ में तू उस ट्रेंड एक्टर्स के जोन में है बीस लोग थे हम पूरे बैच में तू तु, तुम भी इसी भीड़ में खड़े तो फिर हम दो साल वहाँ बर्बाद क्यों किए थे तो ये थाट था मेरा उसको बोला नहीं मैंने पर मैं वहाँ गया और वो वही हुआ कि नॉट फिट नॉट फिट और मुझे बहुत गुस्सा आया मैं मुझे नहीं चाहिए ये सब तो मैं मैं उस दौर में कभी था ही नहीं कि मैं इसको स्ट्रगल मान रहा हूँ या मैं यहाँ यहाँ जा रहा हूँ या हर दूसरे आदमी के पास के सर में और ना मुझसे हुआ और ना मैं कर सकता हूँ आज भी नहीं कर सकता हूँ तो मेरा स्ट्रगल यही था कि मैं घर पर रहा जिन लोगों से मेरा मिलने का मन था वहाँ पहुँचा किसी तरीके से या तो उनको कोई रेफरेंस दे के पहुँचवाया मैंने अपने आप को अच्छी फिल्मों के जितने भी मिल रहे थे मुझे ऑफर वो ऑडिशन दिए हुआ कुछ में कुछ में नहीं हुआ कुछ मिल के छूट गया क्योंकि उनको कुछ नया चेहरा नहीं चाहिए था या कुछ थोड़ा सा नॉन फेस चाहिए था उस दौरान पर वो सब हिस्सा है ज़िंदगी का मुझे उससे कुछ ना शिकवा है ना कोई शिकायत है वो हम सब करते हैं सब अपनी लाइफ में उस दौर में सब अपना अपना खाना रे अरेंज करते हैं किसी तरीके से सब बसों में घूमते हैं दैट्स फाइन इट्स इट्स नथिंग न्यू इन टू इट तो आई वॉज हैप्पी द बेस्ट थिंग आई वॉज हैप्पी डूइंग दैट तो मुझे वो कभी स्ट्रगल लगा ही नहीं और थैंकफुली एक डेढ़ साल में एक फिल्म भी मिल गई तो शुरुआत हो गई ये तो ठीक है आपने कहा लेकिन होता तो यही है आ, या तो आप किसी बड़े बाप के बेटे हों और आपके घर में यही फिल्मों का काम होता हो तो आपके लिए वो एक जैसे चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा होने जैसी चीज़ है लेकिन बाकी लोग तो यही करेंगे जैसे कि किसी लेबर चौराहे पे मज़दूर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमको ये ये काम आता है हम ये कारपेंटर हैं हम ये मैसन हैं तो उनको जो जिनको काम लेना है वो उनको वहाँ से हायर करके ले जाते हैं तो जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं करेंगे कास्टिंग स्टूडियोज़ में जाएंगे नहीं ऑडिशंस देंगे नहीं और नॉट फिट नॉट फिट नॉट फिट वो तो उसका पार्ट है मतलब अगर वो घर पर बैठे रहें तो मेरा ख्याल है कि काम उन तक चल तो आएगा नहीं दो नजरिए सर एक ये कि आपको ये लगता है कि आप हम सब जगहों पे जाके फिट नॉट फिट के दौर से गुजर के आपको वो काम मिले सही है बिल्कुल सबका अपना अपना तरीका हो सकता है वो मेरा तरीका नहीं था मुझे वो कदई पसंद नहीं था और आज भी आ, आ, राजी रिलीज़ हुई कमांडो वासिपुर, ये सब फिल्में रिलीज़ हुई मैं उस दौरान भी किसी को नहीं कह पाया कि सर मेरी काम आया है आप देखो कभी नहीं बोल पाया वो गलती हो सकती है आ, सही गलत तो मुझे नहीं पता वो है या नहीं है किसी के लिए वो वो तरीका काम करता होगा पर मुझसे कहा नहीं जाता है मैं कभी से ऐसा हूँ मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि मैं सी आई एम गुड एट इट तो आप मुझे एक बार ट्राई करो आई थिंक मुझे कई बार ऐसा लगता है सामने वाले को दिख जाना चाहिए था कि मैं कुछ चीज़ों पे अच्छा हूँ uh, मेरी गलती हो सकती है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस शहर में जो जो अच्छा काम करते हैं पर वो मेरा तरीका था वो किसी के लिए सही हो गलत हो और जहाँ तक बात है कि आप किसी किसी फिल्मी फैमिली से हैं आप उस परिवार से हैं तो वो हर जगह होता है आप आपकी फैमिली में कुछ लोग जो किसी भी प्रोफेशन में हैं और अगर आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है क्योंकि आपकी फैमिली उस उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में मेहनत कर चुकी है आपसे पहले तो कुछ रास्ते कुछ दरवाजे आपके लिए हमेशा आसान होंगे या जल्दी खुलेंगे तो उससे मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है मैं उसको कभी म, उसको कंसिडर ही नहीं किया अगर मैं अपने माँ बाप मेरे माँ बाप टीचर रहे हैं तो मेरे गांव में हम तीस पैंतीस तैंतीस स्टूडेंट थे दसवीं क्लास में मैं अकेला ऐसा बच्चा था जिसके माँ बाप टीचर हैं तो मेरे पास एडवांटेज था पर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता अब दूसरे बच्चे ये बैठ के बोले कि ये ये इसके माँ बाप टीचर हैं इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा आता है आई फाउंड इट इलॉजिकल और मैं उस उस वो एक फैक्ट है वो गिवन फैक्ट है अब मैं तो नहीं बदल सकता ना तो आ, मेरा इस चीज़ के साथ कभी स्ट्रगल रहा ही नहीं कि अरे यार फिल्म में फैमिली के लोग आ जाते हैं इनको या ऑफ कोर्स दे विल उनके माँ बाप ने बहुत मेहनत की है सालों तक अब उसका कुछ तो फल उनको मिलेगा ही ना नेक्स्ट जनरेशन कोई भी एक जनरेशन अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करती है उसका एक बड़ा हिस्सा होता है कि जैसे उनकी अपने बच्चे पैदा होते हैं उन आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा ये होता है कि आप उनको कुछ ना कुछ लाइफ में बेटर देना चाहते हैं सो दे आर गिविंग खैर वो मेरी बहस उस पर नहीं yeah. थी कि तो यही दो तरीके हैं तो मेरा दूसरा तरीका था कि मैं अपना काम जब आएगा तब लोगों तक पहुंचाएगा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा पहुंचाने की पर वो वो जा नहीं पाता हूँ सर कह नहीं पाता हूँ आज भी नहीं कह पाता हूँ अच्छा तो इस मुंबई आने के बाद से लेके अब तक के सफ़र में वो कौन सा साल या कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट फिल्म है जिसमें आपको लगा कि हाँ अब ये एक आ, आपके लिए एक आत्मविश्वास से भरने की चीज़ है फास्ट वन Uh, उस फिल्म कमर्शियली उतनी बड़ी नहीं कहूँगा बट कम से कम शहर में इस शहर में जो लोग सिनेमा बनाते हैं उन तक वो पहुंच गई थी तो मैं इस बात से बहुत खुश था और मैं बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे उस उसको लेके के के पता नहीं कुछ ऐसा होने वाला इस फिल्म को लेके, मैं अपनी तरफ से अपना ईमानदारी से वो करके आया था अनुराग सर ने जो बोला मैं करता रहा जितनी मेरी समझ थी मैं करता रहा पर उस फिल्म ने जिस तरह से आ, लोगों ने जिस तरह से रिसीव किया उस फिल्म को स्पेशली छोटे शहरों में और स्टूडेंट्स ने जिस तरह से रिसीव किया और फिर इंडस्ट्री में जिस तरह से उसका जिक्र हुआ तो वो शायद पहली दस्तक थी हाँ एक एक्टर है जिसने शाहिद खान प्ले किया है उससे एक बार मिलो and... तो हिस्स से एक बेसिक कॉन्फिडेंस की वो हो गई थी कि हाँ मैंने कहा था अगर मुझे मिलेगा कुछ अच्छा तो मैं अपने आप से किसी और को नहीं कह रहा था अपने आप से कह रहा था मैंने कहा था ना तुझे कि तुझे कुछ अच्छा मिलेगा तो तू कर लेगा पर मैं फिर भी यही मान फिर से ही मानता हूँ कि वो वो आ, वो डिपेंड करता है कि आपको एक अच्छी कहानी का हिस्सा आप हो गए हो एक अच्छे डायरेक्टर के हाथ में आप हो एक अच्छी टीम के हाथ में हो तो चीज़ हो जाती है आ, वो, और वो ये विश्वास जो है साल दर साल पुख्ता होता चला गया कि आपकी परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी टीम है आप सिर्फ एक टूल हो उस कहानी के लिए बताने का जो कि ज़्यादा दिखता है लोगों को पर नहीं अकेले चढ़ने की तरह भाड़ नहीं पड़ पाओगे आपको एक अच्छी टीम एक अच्छी राइटिंग चाहिए होती इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे कहानियाँ अच्छी मिलती रहें और सही सुरक्षित हाथों में अगर होगा बाकी मैं देख लूँगा तो ये कोशिश कहानियाँ जो अच्छी मिलती रहें का जो कि जो तमन्ना है उस पर हम अभी आएंगे लेकिन इस बीच में दो हल्के फुलके सवालों के जवाब दीजिए एक तो ये कि इस बीच में आपकी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत के किस्से क्या रहे आ, और दूसरा आ, ये कि आप अपने अंदर मतलब जयदीप अहलावत कमियों से भरा हुआ इंसान तो कमियों का कमजोरियों का पुतला कहा जाता है गलतियों का आप अपने अंदर कौन सी कमियाँ ढूंढ पाते हैं जिन पर आप काम करते रहते हैं कुछ को विनोवर किया कुछ अभी भी रह जाती हैं लेकिन पहले प्यार मोहब्बत हल्के फुल्का तो बिल्कुल नहीं है कभी हाँ प्यार की तक बात है मेरे वो पिछले दस ग्यारह साल से पत्नी हैं अब तो तो वो, वो मुझे मिले थे जब मैं तीन महीने के लिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो उस वक्त सीनियर थे मेरे वो मैं ऑलरेडी एक एम करके गया था बट वो फ़र्स्ट टाइम एम ए थे तो सीनियर थे तो उस दौरान मुलाकात हुई थी फिर मैं फ़िल्म शूट आ गया तो बातें होती रही तो अगले साल उन्होंने फ़िल्म शूट ज्वाइन किया सो एक्टिंग बैच थे तो मेरी जूनियर हुई वो तो जब पहली फिल्म मिली आ, उस दौरान घर पे बातें हुई कि मुझे करना है शादी करनी है तो खट्टा मीठा जब पहली फिल्म रिलीज़ हो रही थी वो जिस दिन शूट करने जा रहा था उस दौरान शादी हुई तो बस खट्टा मिठा के सेट पे शादी हुई थी एक तरह से फिल्म ख़त्म ख़त्म नहीं हो रही थी बीच में एक शेड्यूल ख़त्म किया दो दिन के लिए घर के आया शादी की दोनों बॉम्बे आए वो घर देख रहे थे मैं शूट कर रहा था तो, तो प्यार यूँ फटाफट शादी में तब्दील हुआ <laughs> तो वो है अभी उन्हीं के सहारे जीवन कट रहा है क्योंकि मैं बड़ा डिसऑरेंटेड आदमी हूँ जूते कहाँ पड़े हैं ये समझ नहीं आता है वो बहुत ज़्यादा अभी तो कहते हैं ना डोमेस्टिकेटेड हो गया हूँ तो सब कुछ उनके ऊपर निर्भर रहता है तो आज सुबह भी यहाँ पहुँच पाया हूँ तो उसमें बड़ा हाथ है नहीं तो बहुत लेजी हो गया हूँ मैं जब काम होता है तभी उठता हूँ नहीं तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिस्तर पे रहूँ कुछ ना कुछ किताबें पढ़ी रहे हैं आस या कुछ इंटरनेट पर चल हालांकि देख के नहीं लगता लगता ये है कि आप सुबह उठ के काफ़ी जिम मारते होंगे और नहीं, नहीं, खाते मैं, खाते मैं सिर्फ काम की वजह से जिम मार जब जा सकता हूँ <laughs> अगर मुझे कुछ मिल रहा है कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है हाँ बेसिक जो ग्राउंड वाला फील है वो अलग है क्योंकि जिम कभी लाइफ में था नहीं खेल का मैदान हमेशा रहा तो वो आज भी कोशिश रहती है कि थोड़ा बहुत खेल लो पर जिम वाला मामला नहीं है वो मैं तभी कर सकता हूँ जब मुझे कोई किरदार के लिए टारगेट अचीव करना है ना उसके अलावा मैं रेगुलर वाला आदमी नहीं हूँ और कमियाँ दुनिया भर की सर मतलब वो तो गिराने बैठूँगा तो ख़ुद को शर्म आ जाएगी बट ठीक है सब कमियाँ मतलब ये कि इसको और थोड़ा पॉइंटेड करता हूँ जैसे कि एक्टिंग करते वक्त भी उसकी जो फंक्शनल उसका जो पार्ट होता है उसमें भी उसकी कुछ ज़रूरतें होती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में आपको अगर उस कैरेक्टर को प्ले करना है तो आपका हरियाणवी जो संस्कार जिसे कहा जाता है या जो क्योंकि अपनी ज़िंदगी के 20-22 बरस तक तो आप एक ख़ास ज़मीन पर उसके भूगोल में और बोली भाषा के बीच में रहते हैं तो वो भी कोई चीज़ ऐसी है जो जिसे अनडू करना पड़ता है अनलर्न करना पड़ता है वो शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा करना पड़ा जब मैं मुझे फिल्म शूट में आया तब हमें लगता था कि हम हिंदी बोलते हैं Uh, कभी कभी अभी भी आ जाता है वो पर uh, शुरुआती दौर में फिल्म शूट में बड़ा बड़ा जलील हुआ इस 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 वजह से कि हर शब्द हरियाणवी फील होता था तो मेरे बैच मेट थैंक्स कि वो मेरे बैचमेट थे उन दिनों उन्होंने बड़ा बड़ा चढ़ाते थे बड़ा और बहुत मैं आज भी उनको धन्यवाद बोलता हूँ इस बात पे कि उसकी वजह से मैं काम कर पाया उसके तरीके भी बताए उन्होंने ना सिर्फ धमकाया सिर्फ़ जलील नहीं किया तरीके भी बताए कि तू तो कैसे ठीक कर सकता है पर वो अभी 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 भी कभी कभी आ जाता है बीच में बट अब मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ स्पेशली काम के टाइम पे लाइफ में निकल रहा है दैट्स ओके okay, फिर हुई पर अगर काम के वक्त निकल रहा है तो मैं सुन लेता हूँ कि नहीं नहीं अभी गड़बड़ जा रहा है या कोई ना कोई होता है सेट पर जो बता देता है और आई थिंक जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा गड़बड़ है uh, वो, वो जल्दी स्नैप होता हूँ तो फिर फिर कुछ समझ नहीं आता है एक बार वो हटा पूरी कोशिश करता हूँ अपने शांत रहने की हाँ पर वो अगर हट गया फिर उसको ट्रैक पर लाना मुश्किल हो जाता है थोड़े टाइम के लिए तो मुझे जगह छोड़नी पड़ती है अगर मैं वहाँ रहा तो वो बढ़ता चला जाएगा तो अगर मुझे किसी स्पेस में आके मुझे लग रहा है कि मैं किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो नहीं हो नहीं हो पर अगर वो हट गया तो मुझे वो जगह छोड़नी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए नहीं तो मैं उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो टेम्पर जो है वो थोड़ा सा अब बहुत कंट्रोल में है बट थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है वो दो चार बार ऐसा हो गया था कि उस चक्कर में हाथवा टूट जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है ठीक <laughs> है तो अब हम जहाँ हमने पीछे ये पीछ, अच्छी फिल्मों का जहाँ आप जिक्र कर रहे थे कि अच्छी फिल्में अच्छे रोल्स देखिएगा कि जो ज़िंदगी आप जी रहे होते हैं और जिस ज़िंदगी को आप जानते हैं और जिसमें इतनी तरह के कैरेक्टर्स होते हैं चाहे वो लिटरेचर के जरिए मिले हों ज़िंदगी को जीते हुए यात्राएँ करते हुए आपके आस इतनी तरह के कैरेक्टर्स लेकिन फिल्में आपको कुछ करेक्टर्स ही ऑफर करती हैं इंसान अगर चाहे आ, कि अपनी ही एबिलिटीज़ को उनमें ट्रांसफॉर्म करे तो वो रोल मिल नहीं रहे होते हैं तो ये एक कशमकश या कसमसाहट कह ज़्यादा कहना होगा कि एक एक्टर आप जैसे एक्टर के लिए रहती है कि आ, जो रोल है वो या तो कई बार डीवीडी देखकर कि इस तरह का करना है और उस तरह का करना जो प्रोटोटाइप्स लोगों के दिमाग में है एक बात इस गुस्से में कभी कभी शामिल होती है कि मेरा एक्टर उतना उन बाउंड्रीज को पुश नहीं कर पा रहा है जिन कैरेक्टर्स को मैं जानता हूं आ, वो नहीं कर पा रहे मिल ही नहीं रहे हैं वो कैरेक्टर्स पता नहीं कभी कभी फील भी होता है बट अब वो जब वो मिलेंगे तब होगा तब क्योंकि वो वो अनुभव भी तभी होगा जब आपको किरदार मिलेंगे लाइफ में देखते ही रहते हैं हम सब एक दूसरे को थोड़ा सा शायद आ, 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 एक्टर होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्जरवेंट होते हैं बताते नहीं हैं बोलते नहीं हैं लेकिन चीज़ें आपके दिमाग में जगह छोड़ देती हैं अपनी तो वो रहती हैं आपके साथ क्योंकि आ, उसके बिना फिर जीवन नहीं है मुझे ऐसा लगता है किसी भी एक्टर का जीवन आ, नहीं होता है कि अगर उसके आसपास जो घट रहा है वो उसको रजिस्टर करे या नहीं करे लोगों के सामने वो अलग बात है वो बोले नहीं बोले अलग बात है लेकिन अगर उस पर घटित नहीं हो रहा है उसका असर नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर आपके आसपास के लोगों का या आपके आसपास की घटनाओं का तो ये थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल है अभिनेता अभिनेता के लिए एक्टर के लिए ये या मुझे लगता है एक डायरेक्टर के लिए भी वो आपको वो चीज़ें अपना अपना स्थान छोड़ के जाती हैं आपके आपके उसन में और वो फिर चाहे वो पढ़ने से हो चाहे वो देखने से हो चाहे वो आपकी लाइफ में जो लोग आपके आसपास हैं या जिनसे आप हर दिन मिलते हो नए लोगों से मिलते हो नए यार जितने अनुभव आपके साथ आते हैं बात जहाँ तक उसको पर्दे पे करने की है मुझे लगता है फिर से वो एक आप एक यूनिट हो आप पूरा पूरी मशीन नहीं हो एक एक पुर्जा आप उसका तो अगर आप बाकी मशीन के पुर्जे अगर सही काम कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट अच्छा निकलता है वो आप उस प्रोडक्ट पे फेस है आपका बिकॉज आप एक्टर हो शायद इस वजह से आप आपको ज़्यादा लोग जानते हैं लेकिन वो उस पूरी मशीनरी के बिना नहीं निकल पाता है आप अपने आप को बचा लेते हो तो कई बार अच्छी बुरी फिल्म में भी आपको लगता है कि ये होगा नहीं इस फिल्म का आपको पता है कि इस फिल्म का कुछ नहीं होने वाला बट आपको उसका हिस्सा हो तो आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो कि मैं कुछ ऐसा ना करूँ जिससे लगे कि ये, कि ये कितना गंदा काम था पर अच्छा काम कभी भी अकेला एक्टर नहीं कर सकता मैं इस बात में कभी से बिलीव करता हूँ थिएटर के टाइम से बिलीव करता हूँ और फिल्म डेफिनेटली नहीं थिएटर में फिर भी स्कोप है कि पर्दा खुला और आपके अलावा वहाँ कोई बाप नहीं है सिनेमा वैसा वर्क नहीं होता है सिनेमा एक अच्छा काम अच्छा अभिनय बहुत सारे लोगों का एक मिला जुला एक तो जब कभी आएगा तो लिमिट भी देख लेंगे ऐसा कुछ मिले एक बार जिसको लगे कि मेरी लिमिट से बाहर है तो अगर मुझे सही लोग मिल गए तो मैं लिमिट तो मैं तोड़ लेता हूँ एक तो ये हुआ कि लिमिट से बाहर वाली बात जी। दूसरा हुआ कि आपका भी दिल है कि ऐसा कुछ करें लेकिन वो वो रोल नहीं लिखा जा रहा है वो आपके सामने नहीं आ रहा है मतलब हाँ ये होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे फिल्मों में किरदार शुरुआती दौर में स्पेशली आ, 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 हाथी राम से पहले कि बहुत सारे ही बड़े श्योर किरदार थे जो डोमिनेंट हैं जिनको पता है वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं या क्या चाहते हैं हाथी वैसा नहीं है तो शायद ये भी एक बड़ा रीजन था कि लोगों ने कभी जैद पहलावत को उस तरह से देखा ही नहीं था कि वो वीक लग सकता है वो छह फुट का आदमी कमजोर भी दिख सकता है रो भी सकता है डरा हुआ भी हो सकता है तो, तो किसी ने भरोसा किया सुदीप शर्मा ने भरोसा किया अनुष्का मैम ने भरोसा किया कि हाँ एक बार अगर ये किरदार इतना और फिल्म की से तीन गुना लंबी लेंथ है उसकी तो अगर कोई भरोसा करके आ सकता है तो मुझे लगता है आपको ना अपने एक्टर के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा उसकी लिमिट आप भी पुश कर उओगे इट्स लाइक अ कोच ट्रेनिंग कोच होते ना जो एक रनर को पता नहीं होता है वो कितनी देर तेज़ भाग सकता है जब तक कि उसका कोच उसको नहीं बता कि उस सीमाओं को तोड़ना कैसे है वो डर को कैसे तोड़ना तो इसका बड़ा हिस्सा सिर्फ एक्टर एक एक नहीं है इसका सामने वाले के ऊपर है लिखने वाले के ऊपर है या उसको बनाने वाले के ऊपर है तो लगता है कभी कभी कि यार भाई ये कर सकता हूँ पर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता जब सामने से आएगा तभी कुछ होगा क्योंकि इस इस शहर में बहुत सारे एक्टर हैं पर मैं अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश करूंगा कि मुझे कुछ नया मिलता रहे और जब वो मिले तो मैं सामने वाले को ये बता सकूँ कि ये मेरी कभी लिमिट से बाहर था भी नहीं आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा था आपने कभी देखा नहीं था मुझे ऐसे तो बस इंतज़ार रहता है उन सबका और कहीं ना कहीं आप छोड़ देते हो अपने होता ना कि यूनिवर्स में आपने छोड़ दिया कि ये चाहिए मुझे कह के भूल गए तो आ जाता है किसी न किसी दिन तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना है कि आप अपनी वाइफ्स भेजते हो लोगों तक कि मैं ये जानता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ तो एक बार कोशिश करना तो मैं बहुत मैं बोल देता हूँ इससे कि मुझे आता है डांस करना ये सोचना मत कि हाथिर डांस नहीं कर सकता किसी दिन मौका मिलेगा तब बताऊँगा पर उससे मैं स्ट्रगल नहीं करता आप जब तैयार होते हो ना तो तो मिल जाता है मेरा मानना। जब पात्र होते हो ना तो हो जाता है खुली हथेली पे क्या ही डालेगा कोई सामने से कहानियाँ देखिए जो कही जाती हैं फिल्मों में वो तब ज़्यादातर तो अपने आसपास की ज़िंदगी अब हमारी हमारे समय और समाज की कहानियाँ हैं जिसको दर्शक जानता है जिन कहानी या उनको उन नए अनुभवों को उसके सामने पेश किया जाता है आ, लेकिन जब आप एक, एक एक्टर से अलग एक नागरिक के रूप में जो कहानियाँ इधर उधर आपके आसपास घटित हो रही होती हैं यहाँ तक कि, कि ये ऐसी चीज़ें जिनमें आपस में कोई तालमेल नहीं है मिसाल के तौर पर अगर क्रूडली कहा जाए कि जो आदमी सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे ज़्यादा वंचित गरीब और शोषित रहता है और दूसरी तरफ उसका एक जो दूसरा विरोधाभास है जब इस तरह की स्थितियों को आप एक नागरिक के तौर पर देखते हैं तो आ, क्या आ, आपका मन आपका पक्ष होता है विचलित होता है वो चीज़ें पिंच करती हैं आपको पर क्या न सर आप मुझे लगता है आप समाज का एक हिस्सा हो आ, बड़े लाचार फील करते हो आप अपने आप को बहुत ही कमज़ोर लाचार महसूस करते हो जो आप देखते हो कि कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए लेकिन आप उसका कुछ कर नहीं पाओगे तो बहुत गुस्सा आता है और बहुत लाचारी होती है पर वो आपको इफेक्ट करती हैं तो आप यही कोशिश करते हो कि जो आप अपने तरीके से अगर उस चीज़ की मदद कर पाओ तो करते हो आप एग्जाम्पल कोविड के दौरान बड़ी लाचारी फील होती थी जब आप सब खबरें पढ़ते हो देखते हो लोगों कि ये हज़ारों लाखों लोग सड़क पे घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भगवान का धन्यवाद करते हो कि पहले तो आप नहीं हो बाहर आपकी वो हालत नहीं है दूसरी आपको गुस्सा आता है आपको लाचारी फील होती है आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए पर आप कुछ नहीं कर सकते तो जब आपको समय मिलता है जब आपको लगता है कि ये मौका है किसी को भी कहीं भी ज़रूरी नहीं कि वो उस हाईवे पे चलते हुए मज़दूर हों या लोग हों पर जहाँ तक आपकी रीच है जहाँ तक आपकी पहुँच है आप करने की कोशिश करते हो तो मैं शायद थोड़ा सा उसको थोड़ा सहज हो पाता हूँ उसके बाद बट कुछ कर नहीं सकते सर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करते हो और कोशिश करते हो कि ऐसा आपके आसपास छुपी भी हो तो आप उसको थोड़ा सा हिस्सा दे दो थोड़ा सा योगदान दे दो ताकि आप आप गिल्ट में ना हो क्योंकि वो आता है फील होता है आपको कभी कभी कि आप कुछ नहीं कर पाए अच्छा शुरू में आपने कहा कि आपको तो हिंदी फिल्में और अमिताभ बच्चन वाली जो दुनिया थी वो लेकिन फिर बाद में एफ ने जो ये वर्ल्ड सिनेमा का एक विंडो सामने आया तो तरह तरह के एक्टरों को आपने काम करते हुए देखा इस सेगमेंट इस जगह पे ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे लेकिन फिर भी बताइए कि वो कौन से एक्टर आपको सबसे ज़्यादा हैरान करते रहे और उन्होंने आपके सामने एक बेंच रखा कि जब बड़े हो रहे थे तब तक तो, तो यही यही दौर था पर उस वक्त मुझे एक्टर नहीं बनना था तो मेरा वैसा इम्पैक्ट नहीं था उनको लेके बस अच्छे लगते थे धर्मेंद्र जी अमिताभ बच्चन साहब मिथुन दादा की फिल्में बहुत चलते थे हमारे यहाँ सनी देओल आए फिर तो उस दौर में शाहरुख खान अजय देवघान ये सब लोग फिल्में देखते थे पर उस वक्त मुझे अभिनेता बनना नहीं था तो मेरा ऐसा कोई हैरान नहीं करते थे अच्छे लगते थे मज़ा आता था फिल्में देख के बहुत सारी फिल्में देखते थे लेकिन जब शुरुआत हुई उस तरीके से फिल्म शूट आए तो धीरे धीरे वो उसका नज़रिया बताने लगा उस काम का तो भारतीय सिनेमा में मुझे लगता है कि बलराज सानी साहब संजीव कुमार दिलीप कुमार साहब ओमपुरी जी नसीर भाई ये सब लोग हैं जो, जो उस लेगेसी को लेके आ रहे थे और फीमेल्स में भी बहुत सारे एक्टर हैं सविता पाटिल जी हैं हमारे और शबान आजमी जी हैं नीना गुप्ता हैं ये सब लोग उस दौर में फिर आप उनकी फिल्में दोबारा देखते तो आपको लगता है कि ओ ये बहुत ही कमाल काम था अपने टाइम पे पंकज कपूर जी और फिर वो दौर आपकी आपकी इमीजिएट सीनियर्स एक्टर्स में से लगा के देखते तो मनोज भाई हैं पर एक इंसान हमेशा आ, जो फ भारतीय सिनेमा की बात कर रहे जिसने मुझे हमेशा हैरान किया हमेशा खुश किया कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको देख के मुझे लगा हो कि एक मोमेंट के लिए भी कि, कि ये मैं मज़ा नहीं आया वो इरफान साहब थे तो बहुत कुछ सीखा उनसे और बाकी भी जितने एक्टर्स हैं उन सबको देख के और बाहर सिनेमा में बहुत सारे एक्टर्स हैं पर मेरा ऑल टाइम फेवरेट पचीनो साहब है उनको देख के बहुत मजा आता है मुझे खुश हो जाता उनको स्क्रीन पर <laughs> हम्म आप कुछ गा सक गा लेते हैं? गाना आ, गाना तो सर पोइट्री वोइट्री बेसिक थोड़ी बहुत तो क्या जैसे बाथरूम सिंगिंग टाइप का भी अगर गाना हाँ वो भी कुछ ट्राई कीजिए ज़रा पर हरियाणा में एक, एक गीत है एक्चुअली वो उसकी चार लाइनें सुना तो सावन के ऊपर है लक्ष्मी चंद जी वहाँ एक बहुत फेमस है उन्होंने लिखा था कि बाग गन गोर घटा की हे सामण की छोरी गाँव में गीत सुरीले झूल गली कामण की झूल गली कामण की हेरा गोमाई नौन गोमाई मारी पिंग चढ़ा के ये चढ़ाख ससू जी का नाक तोड़ लई लंबा लफाक हाथ लफाके लंबा हाथ लफाके हेरा बेरा ना कद तीज मनेंगी बेरा ना कद तीज मनेंगी उस लक्ष्मी चंद बामण की बामण की छोरी गावे गीत सुरीले झूल गली कम की दो चला चार लाइन या क्या बात है क्या बात है वाह क्या बात है कितना रम के कि आपने मज़े में गाया अच्छा देखिए कि शूटिंग के सिलसिले में और काम के सिलसिले में देश के अलग अलग कोनों में आप को यात्रा करनी होती है रहना होता है लोगों से मिलना होता है अब तो विदेश में भी घूमते रहते हैं सब कुछ करने के बाद क्या आखिर में सांसें अच्छी मीठी हरियाणा में ही वापस आकर मिलती हैं हंड्रेड परसेंट <laughs> गाँव में जाके बहुत मज़ा आता है और रोहतक जैसी जगह जहाँ चौदह साल से चौबीस साल तक का वक्त बीता है तो वहाँ सब है वहाँ वहाँ वो याद हैं जब आप बड़े हो रहे होते हो तो तो गांव खरकड़ा और रोहतक उससे बेटर सांस कहीं नहीं आती <laughs> <laughs> अच्छा आखिर में आखिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं आपका तरीका क्या है किसी कैरेक्टर को आ, मतलब जिसे इम्पर्सोनेट करना कहते हैं दूसरा आदमी बन जाने का आपका क्या तरीका है बताइए और वैसे तो हर किरदार के साथ अलग होता है मुझे लगता है अलग तैयारी होती है अलग तरीके से उसको अप्रोच करते हो बट जो एक कॉमन है वो ये है कि अगर मुझ मुझे उसको तैयार करना है तो मुझे उसको पढ़ना पड़ेगा मुझे जितनी बार वो स्क्रिप्ट मेरे लिए एक तरह से गाइडलाइन uh, हो जाती है तो उसको जितनी बार भी मैं पढूंगा मुझे उसकी थोड़ी सी ना परतें खुलनी महसूस होने लगती हैं अब uh, अच्छी राइटिंग के साथ ये 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 फ़ायदा हमेशा होता है कि आपका किरदार है ना उस कहानी में पड़ा होता है कई बार डायरेक्टली कई बार इनडायरेक्टली कई बार किसी और के मुँह से मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हाथीराम की बात करूँ तो हाथीराम सिर्फ वहाँ से पता नहीं चलेगा जितना स्क्रीन पर हाथीराम है हाथीराम के बारे में जहाँ कहीं बात हो रही होगी वहाँ से भी उसके किरदार के बारे में पता चलेगा तो तो एक खूबसूरत राइटिंग का एक एक लेखन का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये होता है कि उसको आप जितनी बार पढ़ोगे ना आपको उसमें पड़े हुए दिखाई देंगे उस ट्रेंड्स पड़े हुए दिखाई देंगे धागे पड़े हुए दिखाई देंगे आपको उनको इकट्ठा करना पड़ता है तो मेरा तरीका मुझे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं उनको धीरे धीरे इकट्ठा करने लगता हूँ मुझे उसके जब वो खुलने लगता है जब समझ में आने लगता है पूरा उसका ढांचा तो मुझे उसके कनेक्शन समझ में आने लगते हैं तो मुझे आ, मेरे लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि मैं उस किरदार की मानसिक स्थिति सोचने की समझने की कोशिश करता हूँ मुझे वहाँ से उसको ड्राइव करने का आ, एक बेटर तरीका समझ में आता है उसका हाव भाव उसका चलने का ढंग उसका उठने बैठने का ढंग मुझे उसकी मानसिक स्थिति से समझने में ज़्यादा आसानी होती है कई बार क्या करते हैं कि अगर कुछ बहुत ज़्यादा लेबोरेशन में नहीं है या कहानी उतनी अच्छे से नहीं लिखी गई है तो आप उसको बाहर से उठाने की कोशिश करते हो कि दिखता कैसा होगा और फिर बाहर से थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करते हो कि अगर इस तरह का आदमी है चाल ढाल कपड़े पहनने के ढंग से तो उस सोचता कैसा होगा तो कई बार अंदर से बाहर और कई बार बाहर से अंदर जाने की कोशिश लेकिन अच्छी राइटिंग के साथ मुझे लगता है हमेशा ये होता है कि मैं अंदर से बाहर आता हूँ उसकी साइकी अगर समझ में आ गई उसका मानसिक स्थिति अगर समझ में आ गई उसका थॉट प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो मुझे उसकी चाल दिखाई देने लगती है मुझे उसका भाव भाव दिखाई देने लगता तो है वो विजुअल्स में आता है मेरे साथ कि अच्छा ओह अच्छा हाँ बैठे बैठे सदन है, नहीं नहीं हाथीराम ये करता होगा क्यों क्योंकि इसका रीजन ये है तो कोई भी इंसान आ, आ, किसी भी स्थिति में किस तरह बिहेव करता है ये ये उस कि पुरानी जिंदगी के ऊपर होता है बहुत सारा हिस्सा आज एक ही सिचुएशन में आप और मैं अगर दोनों को डाल दिया जाएगा दोनों अलग ढंग से बिहेव करेंगे क्योंकि आपने आपका जीवन का अनुभव कुछ और है मेरा उन्हीं तरह की चीज़ों को लेकर जीवन का अनुभव कुछ और है तो आप अपने पिछले अनुभव के आधार पर अगली स्थिति को जज करते हो और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हो तो मैं उसके अनुभव सोचने की कोशिश करता हूँ कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है सही गलत नहीं लेकिन क्यों वो क्यों कर रहा है ऐसा वो लाइन ये लाइन क्यों कह रहा है कुछ तो ऐसा हुआ होगा लाइफ में पुरानी ज़िंदगी में तो मैं किरदार की पुरानी ज़िंदगी में जाने की कोशिश करता हूँ जो पेपर पर पे नहीं है मुझे उससे इतनी हेल्प मिलती है कि मुझे उसका भाव समझ में आने लगता है लेकिन यहीं पर वो भी होता होगा वो दुर्घटना भी घटती होगी कि आपने तो उसे उस तरह विस्तार दिया लिखी हुई लाइनों को अपने तरह से समझकर और उसमें क्रिएटिव डायमेंशंस ढूंढे लेकिन फिर आपसे बाहर एक डायरेक्टर है उसके असिस्टेंट्स हैं टीम के दूसरे लोग हैं जो आपको कॉस्ट्यूम या मेकअप या दूसरी प्रॉपर्टीज देंगे वो कहीं जाकर आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स से टकराना शुरू करता है करता है होता है कभी कभी हो जाता है बट फिर से वही कहता हूँ अच्छा काम तभी हो पाता है जब ये सब लोग एक एक मंच पे आ जाते हैं डिस्कशन करो आप क्योंकि क्रिएटिव फील्ड है आपको लगता है कि यार कि ये, ये सही नहीं है अगर मुझे लग रहा है कि ये किरदार का ये कपड़ा नहीं होना चाहिए तो आई शुड से इट आई शुड डिस्कस इट कि क्यों नहीं होना मैं अपना सिंपल सा फंडा है या तो आप मुझे कन्विंस कर दो कि आपका लॉजिकल रीजन क्या है और आप क्यों ऐसा कहना चाहते हो कि राम यही कपड़े पहनेगा या यही जूते पहनेगा या मैं आपको कन्विंस कर दूँ तो एक दौर में आके आप अपनी तैयारी करते हो यू पुट फॉरवर्ड योर थिंग मैंने ये सोचा इसके बारे में अब वो अगेन सिंगल हैंडेड नहीं नहीं है वो मेरा डायरेक्टर से मुझे बात करनी पड़ती है तो अगर दोनों एक सिंक में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं आते हैं तो फिर वो एक वो होता है कि क्यों तो वो डिस्कशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली वो वो भी बहुत हेल्प करता है तो जब अगेन फॉर अगर मैं साथ साथेराम की बात करूँ तो जब सुदीप सर जिन्होंने जो क्रिएटर हैं इसके और अविनाश प्रोशित जो डायरेक्टर हैं उनके साथ जब भी जितनी बार भी रीडिंग हुई हम लाइनों के ऊपर बात ही नहीं करते थे हम क्यों कोई चीज हो रही है उसके ऊपर बात होती थी हमेशा डिस्कशन ही वो होता था कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कह रहा है वो तो दिख रहा है किसी को धमका रहा है किसी को गाली दे रहा है वो तो अभी दिख रहा है पर उसके उसके तार कहीं और जुड़े हुए हैं उस वो रूट कहीं और से आ रही है तो अगर उसको पकड़ लिया तो शब्द अपने आप मतलब देने लगते हैं अगर आपका भाव सही है थॉट प्रोसेस सही है तो मैं आपको हंसते हुए भी अगर गाली दूंगा ना तो गाली पहुंच जाती है अगर हंसते हुए भी धमकाऊंगा तो भी धमकी पहुंच जाती है तो मैं शब्दों पर नहीं जाता हूं फिर मेरी तैयारी में कोशिश रहती है कि मैं शब्दों पर ना जाऊं शब्द हम सब बोल लेते हैं भाव छूट जाता है थॉट प्रोसेस छूट जाता है अगर थाट सही है तो आपका एक लुक आपके बिना बोले सब कुछ बता देता है तो कोशिश ये रहती है कि उस दिशा में जाया जाए ऐसे मोमेंट्स जो ग्रेट एक्टर्स जो मास्टर एक्टर्स हुए उनमें से किसी एक का वो मोमेंट याद कीजिए लगता है कि क्या कमाल कर दिया एक, एक छोटी सी चीज़ में क्या कमाल कर दिया जैसे मुझे याद आता है कि जब मैं लॉरेंस ऑफ अरेबिया देखता हूँ तो उसमें एक लंबी रेगिस्तानी यात्रा के बाद वो कुएँ के पास बैठे हुए हैं सर पीटर ओटूल और जैसे ही वो उठते हैं और एक हल्की सी लड़खड़ाहट है क्योंकि उसमें वो एक थकान और एक्सर्शन और आ, सब आ गया है। वो सब आ गया है और आगे की अनिश्चितता वो वो एक हल्की सी लड़खड़ा आपको कोई ऐसा बहुत सारे सर ऐसे तो बहुत सारे हैं पर मैं अगर फिर से तो अपने एक भारतीय सिनेमा और एक बाहर के सिनेमा के दो फेवरेट है जिसकी बात करूं अल्बचिनों के बहुत सारे ऐसे मोमेंट हैं पर आ, कुछ फिल्मों में वो वो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें कर देते हैं ना आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है ये हो नहीं सकता है ये बस हुआ है ये यही आदमी के साथ हुआ होगा क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता है और वो कुछ करते नहीं हैं दिक्कत ये कि कुछ करते हुए दिखाई देते नहीं हैं जब वो फ्रेडो को सेकेंड पार्ट में जब उनको पता चलता है कि उसका भाई ही ये सब हुआ है फ्रेडो की वजह से हुआ है और वो बात बात में फ्रेडो के मुंह से निकल जाती है कि मुझे जॉनी ओला लेके आया था यहाँ माइकल ऐसे रुक जाता है बस उसको देख रहा है देखे जा रहा है फ्रेडो इस ड्रंक एंड टॉकिंग वो एक जो सांस ली है ना उन्होंने कि पूरे सारी <laughs> दुनिया से लड़ रहा हूं और यहां एक भाई खड़ा है मेरा ये भी झूठ बोल रहा है मुझसे और वो ऐसे एक बार सांस लेके ऐसे पीछे देखते हैं उनका जो एक कैप पहन के एक हैंचमैन खड़ा है खाली उसको देखा उन्होंने

दूसरे इरफान साहब हैं वो कहीं भी कुछ भी ऐसा करते हैं ना आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है ये ये नहीं कर सकता इंसान क्योंकि वो सिर्फ इरफान कर सकता था फॉर एग्जाम्पल मकबूल में ही उन्होंने कुछ मोमेंट्स ऐसे दिए जहाँ वो आपको लगता है कि ओफ ये नहीं है ये वो जब तब्बू जी उनसे बहस कर रही हैं कि बोलो मेरी जान और ये आदमी खड़ा करके बंदूक हाथ में लेके खड़ी हो और गोली चला दी थी उसने गोली मार दूंगी मैं तुम्हें एक बार बोलो मेरी जान और ये आदमी जो मुस्कुराते उसको मेरी जान बोलता है ना पहली बार वो इतना उस, बाद में तो फिर उसको प्ले करने लगते हैं पर वो जो पहला एंगर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है वो, कुछ तो होता है उनके साथ एक सीन में जहाँ वो बैठे हुए हैं तो आ, नसीर भाई या ओमपुरी जी के मुँह से निकलता है कि कुछ भी हो मियाँ जी का जवाब है तेरा लड़का पीयूष भाई के लड़के को बोलते हैं और इरफान साहब ऐसे बैठे हुए हैं और वो एक आंख खोल के न ऐसे देखते हैं उसको एक सिंगल आंख का रिएक्शन है कि अच्छा मतलब मैं हम है ही नहीं कुछ यहाँ वो एक सिंगल छोटा सा रिएक्शन आपको सब कह देता है कि हाँ हाँ ये मकबूल है इसका इतनी आसानी से।, से बहुत सारे फिल्में उनके जो छोटे छोटे चीज़ें करते थे और आपको लगता था कि बस यही अभिनय है जहाँ कुछ नहीं हो रहा है पर वो इतना कुछ करके चले गए ना हमेशा सरप्राइज़ करते हैं हमेशा खुश खुश हो जाते हैं उनको के और यहाँ मुझ मुझे ये ज़रूर मानना चाहिए मुझे कहना होगा आपसे आपसे क्योंकि देखिए मतलब दस साल से तो मैं यही काम कर रहा हूँ तरह तरह के गेस्ट को अप्रोच कर रहा हूँ उससे पहले भी ज़िंदगी में लोग थोड़ा नाम कमा लेते हैं शोहरत कमा लेते हैं पैसा कमा लेते हैं वो इनएक्सेसिबल हो जाते हैं मैंने एक मैसेज आपको भेजा उसका तुरंत आपको जवाब आया मैं इतना खुश हूँ इस बात से मुझे इतना अच्छा लगा कि इससे इंसान के, के किरदार का पता चलता है ज़िंदगी को लेकर उसका क्या रवैया है क्या नज़रिया है मैं आपके लिए बहुत सफलता की कामना करता हूँ मैं कामना करता हूँ कि जो भी आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आपको मिले आ, अब हमारी तरफ से आ, सवालों का सिलसिला पूरा हो गया है जयदेव जी हालांकि इतनी और बातें जो हम लोग करते जाएं तो हमारे दर्शकों को बहुत ही मज़ा आएगा ये मुझे मालूम है तो ऐसा कोई जवाब जो आप देना चाहते थे इस बातचीत में और मैंने वो सवाल नहीं पूछा इस वक्त आप वो बातें भी कह सकते हैं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं था कभी फिर कभी जब नई बात उठेंगी नए सवाल होंगे तो देखेंगे सर बट थैंक यू उम्मीद है कि आपने गुफ्तु के कोई एपिसोड पहले देखे ना जी सर देखें ना बहुत सारा देखे बता रहा हूँ इसलिए इसलिए आपका आपका एक मैसेज भी काफ़ी था तो और मैं ये मानता हूँ कि मैं ना रिफ्लेक्शन हूँ हम सब रिफ्लेक्शन होते हैं एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रॉन्गली मानता हूँ कि जैसा जो बिहेव करता है ना वो वैसा पा लेता है और कई बार लोग बोलते हैं कि यार यदि बड़े कुछ लोग जो मुझे नहीं जानते जो जानते हैं उनको तो पता ही है कि मैं वैसा कुछ हूँ नहीं तो लोग बोलते हैं कि यार तुम बड़ा ना अभी भी बड़ा डाउन टू अर्थ वाला मामला है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जो सिर्फ मैंने किया हो ऐसे बहुत सारे अभिनेता इस देश में रहे हैं और आते रहेंगे जो बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं ना तो किसी को ये बताने के लिए आया था कि मैं अच्छा अभिनेता हूँ अपने लिए आया था अपनी खुशी के लिए आया था अपने अपनों के लिए आया था तो मैं किसी को साबित करने नहीं आया था कि मैं अच्छा अभिनेता हूँ मुझे अभिनेता बनना था इसलिए आया था बाकी जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं जो प्यार मुझे मिल रहा है जो शोहरत मुझे मिल रही है पैसा मुझे मिलेगा वो सब उसका उसका बाई प्रोडक्ट है वो आएगा पर वो टारगेट का भी नहीं था काम अच्छा करूँगा तो वो सब आ जाएगा इसी तरह भाव है इसी तरह आपके आपके बिहेवियर का है हम जैसा बिहेव करते हैं ना सामने से वैसा आ जाता है और जिस दिन कुछ ऐसा कर लूँगा जो सिर्फ मैंने किया है उस दिन शायद थोड़ा हवा में भी उड़ लूँगा <laughs> <laughs> तो बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप आप हमारे लिए आए और इतना अच्छा वक्त आपके साथ गुजरा बहुत शुक्रिया ये थे आपके पसंदीदा एक्टर जयदीप अहलावत प्रोग्राम गुफ्तगु में रहे हैं। आपका बेटा बड़ा हो गया पापा और अब हमारा घर भी गेट क्विक एंड ईजी होम लोन्स फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ोडा फॉर योर ड्रीम होम